हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। इस चटनी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। खट्टी मीठे फ्लेवर के साथ सबसे अच्छी बात यह है ना कि फ्रेंड्स, इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप दही वड़े या दही भल्ला समोसे बनाए ना फ्रेंड्स, ये चटनी को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फटाफट से हम रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम मैंने इमली लिया है। तो आपको ये इमली कोई भी ग्रोसरी स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे बिना बीज की इमली ली है। इसे हमें एक पतीली में डाल लूँगी और अच्छी तरह से हम इसे वॉश कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पानी हम इसमें डाल लेते हैं और डाल के हम अच्छी तरह से सारी इमलियों को धो लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड, हाथों की सहायता से अच्छे से मसलते हुए सारी इमलियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं इमली हमारी वॉश हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फ्रेश पानी डाल दूँगी 1 ग्लास करीब, और हम इसे अच्छे से फूलने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लगभग मैं 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी फ्रेंड, ऐसे ही फूलने के लिए 30 मिनट बाद देखेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, 30 मिनट बाद हमारी इमली बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसे हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मसल लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो हमारा इमली का पल्प है वो अलग हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इमली का पल्प हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे छन्नी के छान लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं एक पतीले में छन्नी में सारे इमली के पल्प को डाल दूँगी फ्रेंड्स, और डाल के अच्छी तरह से हम चम्मच की सहायता से सारे इमली के पल्प को अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इमली के जो पल्प है वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं और रेशे भी अलग हो गए हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ फ्रेंड्स। तो इमली का जूस हमारा बिल्कुल तैयार है। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब सारे इमली के जूस को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और गैस की फ्लेम को हाई कर दूँगी, और इसे ऐसे ही चलाते हुए हम जब तक इसमें बॉयल ना आए ना तब तक हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। और साथ ही साथ मैं गुड़ भी डाल दूँगी ताकि इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाए, और साथ ही साथ इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, इसे बॉईल कर देते हैं गुड़ डाल के। तो देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें 1/2 कप चीनी डाल दूंगी फ्रेंड। गुड़ और चीनी का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया लगता है इस चटनी में फ्रेंड्स। तो एक बार आप जब भी बनाएंगे ना फ्रेंड, तो आप गुड़ भी डालिए और 1/2 कप शुगर भी डालिए फ्रेंड। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है और एकदम बैलेंस भी रहता है फ्रेंड। तो चलिए इसे हाई फ्लेम पर हम बॉईल कर लेते हैं। देखिए अब जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना फिर वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। अब हम मसाले डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत बढ़िया आएगा, और साथ ही साथ 1 चम्मच भुना जीरा, और साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच काला नमक भी डाल दिया फ्रेंड। तो जिससे इसका टेस्ट ना थोड़ा सा खट्टा मीठा नमकीन आएगा ना, बहुत ही बढ़िया लगेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसे हम हाई फ्लेम करके इसे 5 से 10 मिनट तक हम ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि इसमें अच्छी तरह से थिकनेस आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चटनी है वो थिकनेस आना शुरू हो गया है चटनी में। तो इसी तरह हम इसे पकाते रहेंगे फ्रेंड्स। लगभग हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे इसे पका लेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, आप चटनी में अच्छी सी थिकनेस आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेलन शीट लिया है फ्रेंड, यानी खरबूजे के बीज लिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स कर देंगे, जिससे इसका जो लुक है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया आ जाता है फ्रेंड्स। देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये एकदम हलवाई जैसी बनती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी को मैंने मेलन शीट डाल के 1 मिनट के लिए और ऐसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा करके सर्व कर लूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया लग रही है हमारी चटनी। तो आप इसे इंजॉय कीजिए चाट के साथ, समोसे के साथ, कचौड़ी के साथ, दही भल्ले के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।